ब्लॉग भी देख लो, जर्मनी का जो मिला है मुझे तो वो भी देख लो, और उसके भी अगर पूरा डिटेल्स चाहिए वो भी बताओ। बहुत ही हेल्प किया, हो गया, अभी सब कुछ सेट हो गया, अभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगा कुछ दिन के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। गाइस परेशानी में हूँ यार, बहुत ही परेशानी में हूँ। गाड़ी का वो ब्रेक शू का या हैंड ब्रेक शू का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो अभी ठीक करवाने के लिए आया हूँ रीफा पे। माना हमारा टू रीफा इधर साइफल रहता है मेरा दोस्त, उसका एक जान पहचान का गैरेज है, तो देखता हूँ उधर जाके वो ठीक कर लूँगा। फिर आज 29th तारीख है, 1 तारीख से मेरा स्टार्ट हो जाएगा जर्मनी का वीसा। जैसे कि पिछले ब्लॉग अगर देखे हो मेरा तो पता होगा कि मुझे स्टूडेंट वीसा मिल गया है जर्मनी का, सो बहराइन से मैं जर्मनी चला जाऊंगा कुछ दिन के बाद। देख सकते हो साउंड सुनाई दे रहा है, ये भाई इतना साउंड कर रहा है ब्रेक शू का वो, या कुछ भी उधर का जो डैमेज हुआ है, बहुत साउंड कर रहा है, बहुत गंदा साउंड कर रहा है। अभी जाऊंगा उधर गैरेज वाले से, अभी शायद फिर से स्क्रैप जाना पड़े, स्क्रैप से वो सामान लाना पड़े, तो लक्ष्य उधर जाके देखता हूँ। सो यार खर्चा ही खर्चा, ऐसे ही पैसा नहीं है, और क्या ही बोलूँ इस पर, अब कितना जाएगा पता नहीं। और जैसे कि मेरा लैपटॉप भी लिया था मैकबुक, वो हाँ इसी वजह से लिया था कि जर्मनी जा रहा हूँ, अपना यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो जाएगा 9 अप्रैल से, तो काम आएगा एंड स्ट्रीमिंग एंड ऑल। और स्ट्रीमिंग का भी आज जाऊँगा प्रिंस के पास, मेरे दूसरे एक दोस्त के पास, वो साउंड इशू हो रहा था, उसके साथ मिलके फिर सॉल्व कर लेंगे होपफुली इंशाल्लाह, फिर मज़ा आएगा, फिर स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूँगा। सो अभी तो फिलहाल आ गया हूँ ऑलमोस्ट, देख सकते हो रिफा पे आ गया हूँ। एंड सो तो वही था, मैकबुक लिया था, सब कुछ हो गया, अभी बस गाड़ी का ये सेल पे भी डाल दूंगा। मोस्टली 1 तारीख से मेरा वीसा स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सऊदी भी जाऊँगा, सऊदी और कतार वो बाद में देखूंगा कतार का, लेकिन पहले सऊदी जाके घूम के आऊँगा, एक या दो बार जाना होगा। क्रिस्टियानो से मिलने का कोशिश करूंगा, उसका मैच है यार 4 मार्च को जाने वाला था, लेकिन 4 मार्च को उसका UAE में मैच है, तो 7 मार्च एंड 11 मार्च को रियाद में है, सऊदी रियाद में, तो उधर चांस हो सकता है दिख जाने का, मतलब मिलने का, क्या अब स्टेडियम से ही देखने का एक बार यार, लाइफ टाइम का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरा कि मैं देख सकता हूँ, इतना पास है वो सऊदी में यार, क्या मस्त है। किधर वो था, मैन यूनाइटेड पे, फिर अल नासर पे आ गया, इधर सऊदी पे आ गया, यार मस्त। अगर ये चांस मिस कर दे, और वो तो अपने लास्ट स्टेजेस पे हैं, रिटायर हो जाएगा, 39 ईयर्स का हो गया है वो, सो इससे बड़ा चांस नहीं मिलेगा, तो वो ट्राई करूंगा मैं पूरा। टिकट विकेट का भी पता नहीं, पहला दिन जाके देखूंगा क्या टिकट का क्या होता है एंड ऑल, फिर नहीं होता है तो पहले बार ना मिले तो दूसरी बार चला जाऊंगा 11 मार्च को, 7 मार्च को तो जा ही रहे हैं। और ऐसे 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2nd या 3rd मार्च को थोड़ा दम्माम घूम के आऊँगा, ये सब सऊदी है, इधर से बहुत पास है, गाड़ी लेके हम जा सकते हैं, बस यही गाड़ी लेके जाऊँगा, और ये आज ठीक करवा के सब ये ओलेक्स पे भी सब जगह डाल दूंगा सेल के लिए। सो लेट्स सी, लेट्स होप। बहुत बात कर लिया भाई, अभी जाता हूँ अभी गैरेज पे ये ठीक करवाता हूँ, इसका पता नहीं कितना जाएगा। यार मोनेटाइज करो यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मोनेटाइज करवाओ, मेरा पैसा दिलाओ इधर से, घर पे आ चुका हूँ, गाड़ी ठीक हो गया है भाई, 30 दिनार गया है, दिल पे लग रहा है भाई, कुछ देना पड़ रहा है बहुत ही, तो फिलहाल हाँ हाँ तो फिलहाल अभी आ गया हूँ घर पे, घर पे आ गए, कपड़े चेंज करके अभी जा रहा हूँ फिर से प्रिंस के घर, उधर वो स्ट्रीम सेटअप करना है, तो बैग पे जगह नहीं है, सब वायर्स एंड ऑल सब एलगाटो एंड सब कुछ HDMI डाल दिया है बैग पे, इसीलिए हाथ पे लेके जा रहा हूँ मैकबुक, तो अभी जाता हूँ देखता हूँ सब सेटिंग करना, सेटिंग करके हो जाए स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। ऑडियो का इशू हो रहा था तो बस ऑडियो का सेटिंग वो देख लूँ क्या होता है, जाके देखता हूँ अगर हो जाए तो हाँ थोड़ा स्ट्रीम इधर भी कर लूँगा टेस्टिंग कुछ दिनों के लिए, फिर उधर से तो मेन स्टार्ट होगा जर्मनी जाके। तो अभी तो वीसा भी मिल गया और जाके चेक भी करना है मुझे सऊदी वीसा मिल रहा है कि नहीं, मतलब उसका पूरा प्रोसेस देखूँगा, क्योंकि जर्मन वीसा है तो इजीली मिल जाता है, सो लेट्स सी जाके देखूँगा क्या होता है। तो अभी जाता हूँ प्रिंस के घर, उधर जाके कर लूँगा, वो रहता है इधर सार पे रहता है शायद एट्रियम मॉल के पीछे, तो जाके देखता हूँ।
आगे अभी प्रिंस के घर पे अंदर जाऊंगा और सेटअप को पूरा करूंगा। फाइनली हो गया स्ट्रीमिंग का सेटअप। मेरे एक बहुत खास दोस्त ने मुझे मदद किया, वो थोड़ा कैमरा शाय बोल रहा है लेकिन बहुत ही हेल्प किया। हो गया, अभी सब कुछ सेट हो गया, इसका पैसा भी वापस मिल गया था, अभी फिर से वापस देना पड़ेगा। तो अभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगा कुछ दिन के बाद। और इधर आ गए गेमिंग हेडफोन लेने के लिए, देखता हूँ कौन सा पसंद आता है। और मैंने अपने लैपटॉप पे PPF भी करवा लिया, मतलब प्रोटेक्शन। तो गाइस अभी घर पे आ गया हूँ, सब कुछ तो कल रेडी कर दिया था, मतलब हो गया था। और ये देख सकते हो, ये नया हेडफोन जो कल लाया था, दिखाया भी था, ये लेके आया हूँ। देखूंगा, ये भी ट्राई करूंगा अभी। सो ऑल तो सेट है, स्ट्रिंग भी सब सेट कर लिया, ओवरलेस एंड वो तो सब हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं। मेन था ऑडियो के इशू था, वो पूरा सॉल्व हो गया थैंक्स टू प्रिंस, मिलके बहुत ही मदद किया बंदे ने। तो 4 से 5 घंटे हम लोग वो ढूंढते रहे कैसे कैसे, ऐसे ना वैसे, वैसे ना वैसे, फिर हो गए, तो थैंक्स टू हिम। अभी वो भी स्टार्ट करेगा स्ट्रीमिंग एंड ऑल, वो भी कुछ टाइम के बाद। सो एक साथ हम भी खेलेंगे फिर से वो 2020-21 वो जो लॉकडाउन वाला मस्त पीरियड था, वो वापस आएगा इंशाल्लाह होपफुली सून, बहुत ही जल्द। और वैसे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा जर्मनी जाके 1 महीने के बाद। तो बस यही था, लाइक एंड शेयर कर दो और नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आएगा। सऊदी जाऊंगा शायद कल या परसों, उसका भी पता नहीं है, अभी देखूंगा जाके बॉर्डर पे वीज़ा मिलता है कि नहीं ऑन अराइवल, वो भी दूसरा पार्ट होगा, वो भी दिखा दूंगा। तो इतना ही था बस। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। और मेरा पिछला ब्लॉग भी देख लो, जर्मनी का जो मिला है मुझे, तो वो भी देख लो। और उसका भी अगर पूरा डिटेल्स चाहिए वो भी बताओ, कि कैसे हुआ बाहर एंड टू आप जर्मनी कैसे जा सकते हो, इजी प्रोसेस है बहुत, उसका भी अगर जानना है तो करो, कमेंट करो। सु, सु, सु।